सरकार द्वारा मथुरा वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यमुना में चलाई जाने वाली गरुण क्रूज को संचालन करने वाली कंपनी द्वारा यमुना में क्रूज को उतार दिया है। अब इसे सजाने संवारने का काम चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस क्रूज में सफर कर सकेंगे। आपको बताते चले कि केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के प्रस्ताव पर वृंदावन से गोकुल तक यमुना में क्रूज चलाने की योजना तैयार की गई है, जिसे सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद पीपी मॉडल पर एक कंपनी को क्रूज संचालन करने का जिम्मा सौंपा गया है। कंपनी द्वारा एक ब्रज यमुना में उतार दिया गया है। इस क्रूज में 100 से 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही इसमें यात्रा करने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटकों को चाय नाश्ता की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इन दिनों क्रूज को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। क्रूज को सजाने संवारने काम में जुटे कर्मचारी आशीष ने बताया कि 3-4 दिन में क्रूज को सजाने संवारने का काम पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों से निर्देश मिलने के साथ ही केसी घाट से जुगल घाट तक इसका संचालन शुरू होगा। बताया कि संचालन में सफलता मिलने के बाद एक और क्रूज गोकुल तक चलाया जाएगा। अभी देखिए, अभी लाने में हमको बहुत नुकसान हुआ है, लाइटिंग फाइटिंग ये वो सब टूट गया है, तो कम से कम 5-6 दिन लगेगा। अब लगभग लाइटिंग हो गई है, वेल्डिंग हो गया, थोड़ा एसी पॉइंट वो होगा और LCD ये सब लगेगा, तैयार हो जाएगा। जल्द से जल्द आपके 3-4 दिन तक रेडी हो जाएगा। अभी ये कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? अभी फिलहाल अभी ठीक नहीं किया है, क्योंकि पानी का भाव थोड़ा कम है। जैसे होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितने दूर तक हो, 3-4-5 किलोमीटर तक। किस तरीके से सरकार द्वारा ये जी यमुना में क्रूज भी उतारा गया? जी इसकी क्या सुविधाएं रहेंगी? जो सुविधाएं ऐसी रहेगी कि लोग यहाँ पर एक क्रूज नया चीज दिखेगा, यहाँ पर बड़ा जगह ज़्यादा घूमने के लिए मिलेगा, और दूसरा यहाँ खान पान की भी व्यवस्था रहेगी। जैसे क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी क्रूज में? क्या है, पार्टीज मना सकते हैं, जैसे है ना, फैमिली पार्टीज हो गई, या फिर हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी और सैंडविच, मैगी, पास्ता वगैरह वगैरह जो फास्ट फूड के कॉन्टिनेंटल होते हैं वो सर्व करेंगे, प्लस ऊपर पार्टीज होगी, नीचे बैठने का सिर्फ घूमने के लिए। इस तरह से क्या इसका चार्ज रखा गया है? चार्ज अभी हमने निर्धारित नहीं किया, फिर भी हम 300 रुपये तक के ऊपर रखेंगे, क्योंकि उसमें इंक्लूड रहेगा सब कुछ, उसमें नाश्ता वगैरह सब। हाँ, सब नाश्ता।